हाय गाइस, मैं फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ नया वीडियो लेके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस। आज मैं आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस ये मैं बताऊंगा, और आप खुद जानिए कि आप हेल्दी है या फिट है या हेल्दी फिट है। हम चालू करेंगे डिफरेंस जानने के लिए एक एग्जांपल से। कोई गाड़ी है और वो गाड़ी ऊपर से कलर की है, अच्छे पुर्जे, अंदर भी थोड़ा डेकोरेशन अच्छा किया है, उसके सीट्स वगैरह ऊपर से अच्छे कवर्स डाले हैं, तो आपको वो गाड़ी कैसे दिखेगी? बहुत ही अच्छी दिखेगी। मगर गाड़ी चालू करने के बाद यदि गाड़ी माइलेज नहीं देती या कोई गाड़ी में इंजन में खराबी है, तब तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी सिर्फ ऊपर से अच्छी दिख रही है मगर अंदर से अच्छी नहीं है। तो हेल्थ और फिटनेस में यही एक टर्म्स से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यदि ऊपर से आप अच्छे दिख रहे हैं मगर अंदर इंजन आपका अच्छा नहीं है, यानी आपका हार्ट, आपकी किडनी ये अच्छा नहीं है, मगर आपके मसल्स नहीं दिख रहे हैं, आपकी बॉडी प्रोपोर्शन नहीं है, फिर भी आपकी इंजन यानी कि हार्ट, किडनीज या अंदर के जो बाकी के ऑर्गन्स हैं, पूरे सिस्टम्स हैं, वो अच्छे चल रहे हैं, तो आप हेल्दी हैं। मगर फिट नहीं है क्योंकि आपको कोई फिटनेस गोल नहीं है। आप जितना चाहिए, समझो ट्रेडमिल टेस्ट में आप पास हो रहे हैं, जितना चाहिए उतना रनिंग कर रहे हैं, आपका हार्ट उसको अच्छा सा पंप कर रहा है, तो आप हेल्दी हैं। और आप रनिंग बहुत फास्ट कर रहे हैं, 15 की स्पीड से रनिंग कर सकते हैं, मगर हार्ट में ECG में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप फिट तो है मगर हेल्दी नहीं है। ये है डिफरेंस आपके हेल्दी और फिटनेस में। हेल्थ क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। सिर्फ डिसीज का एब्सेंस फिजिकल में रह के आप हेल्दी नहीं है, आपकी मेंटल स्टेट अच्छी है, आप इमोशनली स्टेबल है, आप सोशली स्टेबल है, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स या आपका जो कुछ भी एनवायरनमेंट है उससे, उसके साथ आप अडप्ट हुए हैं, उनसे आपके आपकी जमती है, तो फिर आप मेंटली, फिजिकली, सोशली फिट है। और फिटनेस क्या है? ओनली फिजिकल एस्पेक्ट्स है फिटनेस में। यदि आप कोई टारगेट लेके, गोल लेके आपकी बॉडी को आप ट्रेन करते हैं, टारगेट है मेरा कि मैराथन करना है, मुझे 50 मिनट्स में 10 किलोमीटर कंप्लीट करना है, आप डेली ट्रेन करते हैं बॉडी को और कंटिन्यूअसली आप ट्रेनिंग की वजह से आप 50 मिनट्स में 10 किलोमीटर अचीव करते हैं, तो आप मैराथन के लिए फिट हैं। मगर आपको माइग्रेन की तकलीफ है, यू आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, और आप 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं, अच्छा सा रनिंग करते हैं, दूसरे लोगों से ज़्यादा फास्ट रन करते हैं और आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो आप फिट है मगर हेल्दी नहीं है। तो हमें क्या करना है हेल्थ के लिए? ज़्यादा हेल्थ क्या है? फिटनेस से भी बढ़कर हेल्थ में जो एस्पेक्ट्स आते हैं वो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, तो ये सब सिस्टम्स जब आपके काम अच्छे से करते हैं, नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं, आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, आपका जो मेंटल हेल्थ नॉर्मल है, सोशल हेल्थ नॉर्मल है, तो आप हेल्दी हैं। जरूरी नहीं है कि हर हेल्दी फिट रहे और हर फिट आदमी हेल्दी रहे, ये जरूरी नहीं है। तो फिटनेस अलग है और हेल्थ अलग है, तो हमें क्या करना है? दोनों रखना है। वी हैव टू बी फिट एंड हेल्दी। ऐसा नहीं है, आपको पता होगा कि जो फिटनेस के कुछ फिटनेस कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स हैं, जो वे स्टेज पे होते हैं, दे आर द वीकेस्ट पर्सन ऑन देयर स्टेज। उनको हाथ से भी पुश किया तो वो
गिर जाते हैं क्योंकि वो वहाँ हेल्दी नहीं होते, फिट होते हैं सिर्फ, क्योंकि वो उनको कंपटीशन क्या है, उनकी मसल डेफिनेशन, उनका बॉडी कंडीशनिंग और उनकी सिमेट्री, उनकी वेस्कुलरिटी, वो चेक करनी होती है। इसलिए वो फिटनेस के जो मेजरमेंट्स हैं वो उसमें फिट है, इसलिए वो फिट है मगर हेल्दी नहीं है। हेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि उनका वाटर लेवल ड्रॉप है, उनके किडनी पे लोड है, उनके कॉन्शियस लेवल भी अल्टर्ड है, वो डिहाइड्रेटेड है, क्यों डेफिनेशन मसल डेफिनेशन के लिए डिहाइड्रेशन किया जाता है, और उनका जो कुछ भी वाटर बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब है, तो इसीलिए वो उस वक्त हेल्दी नहीं है। दूसरा मिथ क्या है? जो लोग फिट दिखते हैं, जो लोग जिम में जाते हैं वो फिट या हेल्दी नहीं होते, क्योंकि वो हर आदमी क्या है, पाउडर खाने से या कुछ प्रोटीन की वजह से वो फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, ऐसा एक मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अभी जो इंसिडेंस देखा, एक फेमस एक्टर की का अटैक की वजह से डेथ हो गई, तो उस वक्त तो बहुत हंगामा मच गया कि जिम नहीं जाना चाहिए, जिम के लोग भी बहुत उसमें हार्ट का लोड आता है, हार्ट पे लोड आता है, और वो लोग फिट होते हैं मगर हेल्दी नहीं। ऐसा भी नहीं है। अभी तक बहुत सारे कम इंसिडेंस हैं कि वो वैसे इंसिडेंस हुए हैं, मगर जिम में बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि जिम जाने से, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि बैलेंसड वर्कआउट करते हैं, आपका एंड्योरेंस लेवल, आपका स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब ट्रेन करते हैं, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर रखते हैं, आप स्लीप प्रॉपर रखते हैं, या मेंटल स्टेट, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो यदि अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप फिट हैं और हेल्दी भी हैं। तो ये थी मेरी फिटनेस और हेल्दी की जानकारी। तो अब हमें क्या करना है? आपकी हेल्थ भी अच्छी रखनी है और फिटनेस भी अच्छी रखनी है। आप ऊपर से भी अच्छे दिखने चाहिए, इसके लिए मसल भी अच्छे चाहिए, और आपकी हेल्थ के लिए आपके अंदर के जो ऑर्गन्स है वो भी आपको ट्रेन करना है। हेल्थ के लिए तो ट्रेनिंग नहीं होती, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें करने के बाद आप हेल्दी भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किया तो हेल्दी होगा, ये किया तो फिटनेस, सब मिला के आप फ्लेक्सिबल वर्कआउट करना है। कभी योगा करो, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है, कभी HIIT भी ट्रेनिंग, HIIT ट्रेनिंग भी जरूरी है आपको, और आपका जब हेल्थ फिटनेस ये साथ में रहेगा तो आपका वेलनेस बढ़ेगा और आपका मेंटल, फिजिकल और सोशल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आज से हमें क्या करना है? फिजिकली फिट भी रहना है और हेल्दी भी रहना है। थैंक यू।